Good morning students, I am Anjali Singh Assistant Professor of Pharmacology uh, from R K G I T College of Pharmacy, Ghaziabad. So, in this lecture we are going to talk about adrenergic system and drugs, the drugs which are related to adrenergic nervous system. This is a part of pharmacology first BP 404 T unit number 3. So, let us start the lecture. So, at first let us discuss about what is adrenergic transmission and what are the neurotransmitters of adrenergic nervous system these drugs are also known as the sympathomimetic drugs okay because the major neurotransmitter of sympathetic nervous system is adrenaline or noradrenaline okay so that these drugs which are just uh, these are the copy of uh, adrenaline are known as the sympathomimetic drugs because these drugs will mimic the effect of adrenaline in our body okay

सो दे आर द थ्री मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द ऑफ दिस एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन फर्स्ट वन इज नॉर एड्रेनलीन सेकेंड वन इज एड्रेनलिन एंड थर्ड वन इज द डोपिन सो नॉर् एड्रेनलीन इज एक्ट एज अ ट्रांसमीटर ऑफ पोस्ट गेंग्लेनिक सेनाप्टिक साइट्स ये हमारे पोस्ट गेंगल्योनिक फाइबर जो सैनेप्टिक साइट टारगेट ऑर्गनस होते हैं उस पर एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट करता है एड्रेनलिन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रेनल मेड्यूला एंड मे हैव अ ट्रांसमीटर रोल इन द ब्रेन एड्रन जो होता है ये प्राइमरी कहाँ से रिलीज होता है हमारी एड्रिनल मेड्यूला से बट इट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर थर्ड न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ ट्रांसमीटर इन बेजल गैंगलिया लिम्बिक सिस्टम सी टी जेड एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेट्रा इन जगहों पे ये मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है सो दीज आर द थ्री मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द सिंपेथाटिक डिविजन फॉर एग्जाम्पल नॉर एड्रीन एड्रोन एंड डोपमिन adrenaline will release from sorry nor adrenaline will release from the adrenergic nerve ending adrenaline is released from the adrenal medulla and dopamine is released from the dopaminergic ending but in this section from it is synthesized in the adrenergic nerve ending so this is the biosynthesis pathway of this catecholamines. Why these are known as the catecholamine? Because this is a catechol ring, a benzene, benzene ring with two OH group. This is known as the catechol ring. So these are known as the catecholamine. Okay, because there is a amine group is attached with this ring. So at first, the phenylethylamine is converted into tyrosine in the presence of hydroxylase enzyme. Further, the tyrosine is converted into dopa in the presence of hydroxylase enzyme and dopa is further converted into dopamine in the presence of decarboxylase enzyme further dopamine is converted into noradrenaline and noradrenaline is converted into adrenaline so uh, dopamine is converted into noradrenaline with the help of beta hydroxylase enzyme and noradrenaline is converted into adrenaline in the presence of n methyl transferase enzyme so फिनाइल एनानिन इज कन्वर्टेड इंटू टायरोसिन एंड टायरोसिन इन एड्रिनल न्यूरोनल साइटोप्लाज्म और इन नर्व एंडिंग दीज स्टेप्स आर कैरिड आउट इन नर्व एंडिंग यानी कि टायरोसिन से डोपा का बनना एंड डोपामीन इज कन्वर्टेड इंटू डोपामीन दीज स्टेप्स आर कैरिड आउट इन टू नर्व एंडिंग यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नर्व एंडिंग इसके अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फिनाइल एनिनिन

द न्यूरोन ऑफ द एडिनर्जिक न्यूरोन किस तरीके से ये आपका सिंथिसाइज होने के बाद रिलीज होते हैं और अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होते हैं सो फर्स्ट स्टेप एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ द नॉरेपिनेफ्रीन और नॉन आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ दिस और रेडिनलिन दिस एडिनोपिन इज स्टोर इन अनेप्टिक वेसिकल सेम एज एसिटाइल कोलिन ये वेसिकल के, के अंदर स्टोर हो जाता है ओके सो द ट्रांसपोर्ट इन टू द वेसिकल इज इनहिबिटेड बाय रिजर्पिन तो जो हमारा डोपामिन uh, वेसिकल के अंदर स्टोर होता है इस स्टेप को रिजर्पिन जो होता है वो इनहिबिट कर सकता है इन सैनेप्टिक वेसिकल द डोपमिन इज कन्वर्टेड इन टू नॉन रेडिन इसके अंदर जाके ये नॉन रेडिनलिन में कन्वर्ट हो जाता है सो वेनवर एंड एक्शन पोटेंशियल जब भी यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा आपका ये नर्व फाइबर जो है इसमें से का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा बाय रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन विद द एक्जोनल मेम्ब्रेन इन दोनों की रप्चरिंग होगी और जो भी आपका न्यूरो ट्रांसमीटर है ये आपके सीनेप्ट क्लैफ्ट में रिलीज हो जाएगा सो आफ्टर रिलीज दिस विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एड रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर सो

For termination of the effect of noradrenaline, we have an enzyme catechol o methyl transferase (COMT). So this COMT, catechol o methyl transferase will degrade the noradrenaline and it convert it into inactive metabolite. This will easily excrete out from our body. Okay. Same in adrenergic now ending, we have an enzyme MAO known as. अमाइनो ऑक्सीडेज दिस एंजाइम विल डीएक्टिवेट द नॉन एडिन इंटू एडीनजिक नेंडिंग एट इट विल कन्वर्ट इंटू इनएक्टिव मेटाबोलाइट विच विल ईजीली एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर बॉडी सेम द एक्सेसिव न्यूरो ट्रांसमीटर विल रीअपटेक इंटू दिक नेंडिंग जो एक्सेसिव न्यूरो ट्रांसमीटर होगा उसका रीअपटेक हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनई टी नॉन एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज reuptake and destruction of the neurotransmitter. Now, the metabolism of catecholamine, as I, as I have already discussed that there are two types of enzyme mono oxidase and catechol o methyl transferase. Mono oxidase will destroy the noradrenaline or uh, it will degrade the noradrenaline in the adrenergic nerve ending and catechol o methyl transferase will destroy or destruct this uh, adrenaline after it will release into the circulation so the end product after this metabolism is uh, mandelic acetic sorry acid vma this is the end product of this metabolism of or we can say this is the inactive product of the noradrenaline metabolism now next we will discuss about the adrenergic receptors there are two types of adrenergic receptor First one is the alpha receptor and second one is the beta receptor. So, <coughs> in this table, <coughs> sorry, adrenaline has adrenaline is a neurotransmitter, noradrenaline and isoprenaline is a synthetic compound. So, adrenaline has alpha 1 property, it will interact with alpha 1 receptor, alpha 2 receptor, beta 1 receptor, and beta 2 receptor, but it has weak beta 3 action. Same noradrenaline has alpha 1 property, alpha 2.

रैंक ऑर्डर ऑफ पोटेंसी ऑफ एगोनिस्ट कि आपका जो रिसेप्टर के साथ में कौन सा जो ड्रग है कौन सा जो न्यूरो है वो ज्यादा बाइंड होता है सो अल्फा रिसेप्टर पे सबसे ज्यादा बाइंड होता है एड्रेनलिन देन नॉर एड्रेनलिन एंड देन आइसोप्रेनलिन इन बीटा आइसोप्रेनलिन एड्रेनलिन एंड देन नॉर एड्रेनलिन ओके नाउ द कपलिंग प्रोटीन द नेचर ऑफ दिज रिसेप्टर द अल्फा एंड बीटा बोथ आर जी पी सी आर बोथ आर जी प्रोटीन Couple receptor and the coupling protein is maybe GQ, G i or G naught. In case of beta receptor, the coupling protein may be G S or G i. So the according to the protein, the secondary messenger pathway will be followed. So if the protein is GQ, the pathway is IP3DAG. If the protein is G i the inhibition of adenyl cyclase pathway or activation of potassium ion channel. This is the secondary pathway. If the protein is GS, there is a uh, stimulation of adenyl cyclase pathway or

अल्फा वन रिसेप्टर का दिस इज द लोकेशन वन रिसेप्टर सो इसका प्राइमरी लोकेशन है आपकी स्मूथ मसल्स पे वेर इट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन नेक्स्ट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन ग्लैंड इट विल कॉज सिक्रेशन इन गट इट विल कॉज रिलैक्सेशन इन लीवर इट विल कॉज ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन हार्ट इट विल कॉज अरिदीमिया बीटर सॉरी अल्फा टू रिसेप्टर द लोकेशन ऑफ अल्फा टू रिसेप्टर इज प्री जंक्शनल वॉट इज प्री जंक्शनल हेयर तो दिस इज द लोकेशन ऑफ अल्फाटो रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर इज नोन एज ऑटो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर जो प्री जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं और अपने ही न्यूरो के रिलीज को इनहिबिट करते हैं इन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं अल्फा टू रिसेप्टर दीज विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ इट्स ओन न्यूरो अपने ही न्यूरो के रिलीज को कंट्रोल करते हैं बेसिकली हम ये बोल सकते हैं सो इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज ये जो ट्रांसमीटर है उसके रिलीज को इनहिबिट करते हैं नेक्स्ट द सेलेक्टिव एगोनिस्ट ऑफ द अल्फा अल्फा वन रिसेप्टर इज फिनाइन एफ्री एंड द सेलेक्टिव एगोनिस्ट फॉर अल्फा टू रिसेप्टर इज क्लोनिडिन

प्राइमरी लोकेशन ऑफ बीटा टू इज ब्रॉन्काय ब्लड लीवर जी आई टी यूर ट्रैक एंड आईज एंडमरीप्टर इज एडीपोस्टिश्यू नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस नेचर ऑफ दिस रिसेप्टर दिज रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सो दिज ऑल आर जी पी सी आर ये सारे के सारे हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है नाउ द ड्रग्स So these drugs are known as adrenergic drugs or sympathomimetic drugs because these drugs will mimic the effect of adrenaline so these are drugs which action is similar to that of the adrenaline or sympatholytic sorry sympathomimetic drugs or these drugs will cause sympathetic stimulation So this is the classification of this drug. So in first category we have pressure agent. In pressure agent we have noradrenaline, phenylephrine, and so on. In cardiac stimulants we have adrenaline, dobutamine, and isoprenaline. In third category we have bronchodilators in which we have isoprenaline and so on. Salbutamol, isoprenaline, and some other drugs. In fourth category we have nasal decongestant drug, acid drug, jo nasal decongestion provides. For example, phenylephrine. And so on. In next category, we have seen a stimulant drug. These drugs will stimulate the central nervous system. For example, amphetamine. In next category, we have anorectic drugs. And next category, we have uterine relaxant and vasodilator drug. Further, we will discuss in detail about these categories. So, the pharmacological action of adrenaline. This is the pharmacological effects of adrenaline. So, the first effect of uh, these drugs is on heart. हार्ट पे क्या करती है एडन इंक्रीजेज द हार्ट रेट बाई इंक्रीजिंग द स्लोप ऑफ स्लो डायस्टोलिक डीपोलराइजेशन ऑफ सेल इन दिनोड इट ऑल्सो एक्टिवेट इन पेस मेकर मे अक विद हाई डोज एंड रेज द ब्लड प्रेशर सो फाइनली कार्डियउटपुट एंड ऑक्सीजन कंज्शन ऑफ द हार्ट आर मार्क्टली इनहस सो इन दिस डायाग्राम दिस इज नॉन ट्रीटेड फाइबर विच इज इन ब्लू कलर And this is treated fiber of uh, fiber of the heart, which is treated with adrenaline. So adrenaline will increase the slope of phase four diastolic depolarization. So what is phase of slope of phase four diastolic depolarization? This is zero phase. This is first phase. This is second phase. This is third phase. And this is fourth phase. These are the phases of impulse generation in heart. So after the impulse generation in first phase, there is an entry of calcium ion. और सोडियम आयन एन इन थर्ड फेज एग्जिट ऑफ पोटेशियम एंड सो दिस फेज इज़ नोन एज डीपोलराइजेशन एंड दिस फेज इज़ नोन एंड रिपोलराइजेशन एंड दिस कंप्लीट सिक्वेंस इज़ नोन एज एक्शन पोटेंशियल सो इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द हार्ट रेट अगर हम चाहते हैं कि हमारा हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो हम क्या चाहेंगे कि फर्स्ट इम्पल्स यानी फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल के बाद दूसरा एक्शन पोटेंशियल तुरंत जनरेट हो जाए इनके बीच में जो टाइम गैप है उसको हम रिड्यूस कर दें सो हाउ वी कैन रिड्यूज द टाइम गैप इन फोर्थ फेज जहाँ पे हमने एडर्नलिन का ट्रीटमेंट नहीं दिया है वहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रा ग्राफ जो है वो धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू द सेकेंड ग्राफ जहाँ पे हमने एडर्नलिन दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट सिंपल जनरेट होने के लिए आपको बहुत कम टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है सो विद द हेल्प ऑफ हमारे हार्ट पे है बीटा 1 receptor. So, with the help of beta 1 receptor, which is a GPCR G protein couple receptor, and it will show a stimulatory effect causing increased concentration of calcium ion in the cell. And if the concentration of calcium ion will increase,

next effect of adrenaline is on blood vessels so with the help of alpha receptor it will cause vasoconstriction because alpha receptor is involved in vasoconstriction and with the help of beta receptor it will cause vasodilation with the help of beta receptor it is involved in the vasodilation process so if the drug is bind to the alpha 2 receptor so it will activate only by circulating catecholamines and alpha 1 receptor primarily mediated responses to न्यूरोनली रिलीज नॉ सो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज एन एडेनर्जिक नर्व एंडिंग यहाँ पे नॉर रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद यह है आपका अल्फ़ा वन रिसेप्टर तो अल्फ़ा वन रिसेप्टर जो है वो जंक्शनल होता है यानी कि जहाँ पे भी हमारा जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है और यहाँ ये वैसो कंस्ट्रक्शन कॉज कराएगा लेकिन जो हमारा अल्फा टू रिसेप्टर होता है ये आपका एक्स्ट्रा जंक्शनल होता है यानी कि यहाँ पे जब ये ड्र नॉन रेडिनलीन हमारे सर्कुलेशन में पहुँच जाएगा तो आपकी बॉडी में जहाँ पे भी अल्फ़ा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ब्लड वेसल्स पे वहाँ पे जाके नॉन रेडिनलीन उस पर बाइंड हो पाएगा सो दीज आर द लोकेशन ऑफ अल्फ़ा वन एंड अल्फ़ा टू रिसेप्टर इन ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन इज़ ऑन ब्लड प्रेशर द इफेक्ट डिपेंड ऑन द अमाइन एट्स एंड इट्स डोज एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्लड प्रेशर पे हमारा एडेनलिन क्या इफेक्ट शो करते हैं या फिर ये क्या इफेक्ट शो करते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैटाकोलोमीन यूज़ कर रहे हैं उसकी डोज क्या है और हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है हमने कितनी फ्रिक्वेंसी में ये ड्रग ली है सो so, first we will discuss about noradrenaline noradrenaline causes rise in systolic diastolic and mean blood pressure it does not cause vasodilation so because it has no beta 2 action and sorry noradrenaline has no beta 2 action so beta receptor is involved for the vasodilation so if noradrenaline has no beta 2 action so it will clearly causes vasoconstriction or if when it is causes vasoconstriction. So, blood pressure will increase. So, noradrenaline will act on alpha receptor and by acting on alpha receptor it will cause vasoconstriction and we, we, we can say increase in blood pressure. Then next is isoprenaline. So, isoprenaline causes rise in systolic, but marked fall in diastolic BP the mean BP generally falls. So, it has a mixed effect. Now, the adrenaline. So, if a given by slow IV infusion or subcutaneous injection, causes rise in systolic but fall in diastolic blood pressure. Okay, peripheral resistance decreases because. वेस्कुलर बीटा टू रिसेप्टर आर मोर सेंसिटिव देन अल्फा रिसेप्टर्स सो बेसिकली ये वैसो में हमारी हेल्प करता है एड्रेनालिन बिकॉज जब हम इनिशियली एड्रेनालिन देते हैं तो अल्फ़ा रिसेप्टर उसके साथ में इंट्रैक्ट करके वैसो कंस्ट्रक्शन करके बीपी को बढ़ा देता है बट आफ्टर समाइम जब एड्रनलिन डिग्रेड होकर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगता है उसका बहुत कम अमाउंट ही रिमेनिंग होता है तो वो केवल बीटा टू बीटा रिसेप्टर को ही एक्टिवेट कर पाता है बिकॉज बीटा रिसेप्टर आर मोर सेंसिटिव एज कम्पेयर टू अल्फा रिसेप्टर सो उस केस में ये फिर ये फर्दर वैसोडाइलेशन कॉज करता है और पेरीफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एडनलिन इज ऑन रेस्पायरेशन सो एडोनोलिन एंड आइसोप्रेनोलिन बट नॉट नॉर नॉन आर पोटेंट ब्रोंको डायलिटर दीज ड्रग्स विल कॉज ब्रोंको डायलेशन नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन मिड्रसिस सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ द आयरिस बट दिस इज अमलर टॉपिकल अप्लीकेशन बिकॉज एडेन इन पैनिट्रेट कॉर्निया पुअर् तो ये क्या करते हैं जैसे हमने पहले वी हैव ऑलरेडीज आर सर्कुलर मसल्स एंड दीज आर रेडियल मसल इफ एनी ड्रग विल कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल्स तो जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो आपकी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जो कि प्यूपल के साइज को कम करने में हेल्प करती हैं बट जो रेडियल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका बाहर की तरफ होता है जो कि पीपिल के साइज को बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है सो वी कैन से कॉज एड्रलिन मिड्रियासिस ये पीपिल के साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल सो दिस इज अ सिंपल थ्योरी इफ सर्कुलर मसल विल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज म्योसिस इफ रेडियल मसल विल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज मिड्रियासिस ओके द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ एड्रलिन इज ऑन जी इन आइसोलेटेड प्रिपरेशन ऑफ गट रिलैक्सेशन अकर We can uh, we have checked the effect of adrenaline in isolated preparations, and there is relaxation. The next effect of adrenaline is on bladder. So detrusor is relaxed and trigon is constricted. Both actions tend to hinder the maturation. So micturation. So basically, adrenaline will cause the relaxation of detrusor muscles. So detrusor muscles will relax, and trigon is constricted. So the urine output will. डिक्रीज ब्लैडर की जो एम्पटिंग होगी वो स्लो हो जाएगी और वी कैन से इट विल हिंडर द मिक्चुरेशन नेक्स्ट इज ऑन यूट्रस एडेनिन कैन बोथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द यूट्राइन मसल्स नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन स्कैलेटल मसल्स सो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज फैसिलिटेटेड बाय द एडेनलिन एडेनिन विल फैसिलिटेट द न्यूरो ट्रांसमिशन

जो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रिलीज होने वाले ब्लड प्रेशर कम, so, कम, तो कम हो जाएगा और ब्रेड की कंडीशन हार्ट रेट हमने इनिशियली पढ़ा कि हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं नाउ द यूज ऑफ दीज ड्रग्स सो दीज ड्रग्स आर यूज फॉर द हाइपोटेंसिव स्टेट बिकॉज दिस विल इंक्रीज द बीपी तो ये हाइपोटेंसिव स्टेट को कर सकते हैं लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं वैसो कंस्ट्रक्शन करके लोकल ब्लड फ्लो को हम रोक सकते हैं दीज ड्रग्स आर यूज फॉर द नेजल डी बिकॉज दीज ड्रग्स विल रिड्यूज द ब्लड फ्लो इन द नोज एंड डिक्रीज द म्यूकस सिक्रेशन इन द नोज सो इट विल एक्ट एज अजरल डीकन्जेस्टेंड एंड दीज आर द फर्दर यूजेज ऑफ दीज ड्रग्स कार्डियक यूजेज So these drugs will increase the heart rate. So we can use it, this drug in cardiac arrest or some other conditions of heart. For example, congestive heart failure. And these are the some minor important central uses of this drug. These are the references for this presentation. Thank you so much.